बहराइच जिले के थाना खैरी घाट ग्राम पंचायत रायगंज निवासी इंद्रसेन सोनकर पुत्र पटवारी की बेटी की पुत्री प्रियांशी सोनकर उम्र लगभग 6 वर्ष, पुत्री निनकौ निवासी राजापुर कला थाना मोतीपुर जनपद बहराइच रक्षाबंधन का पर्व मनाने अपने नाना के यहाँ आई थी। वहीं आज शनिवार लगभग 3 बजे मासूम बालिका घर के पास एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ शौच को गई हुई थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक मासूम प्रियांशी पर हमला बोल दिया और उसे गन्ने के खेत में खींच ले गया। साथ में उपस्थित दूसरी बच्ची के शोरगुल पर काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और खोजबीन करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी दूर पर गन्ने के एक खेत में मासूम प्रियांशी का मृतक शव प्राप्त हुआ। परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में थाना खैरी घाट पुलिस को विविध कार्यवाही करने हेतु मृतक बालिका के नाना इंद्रसेन द्वारा तहरीर दी गई है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और राजस्व की टीमों ने भी पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल जुटाई है। के यहाँ पर रोड पर खेल रहे थे घर के बगल में, यही से आकर वो छोटी वाली बच्ची को बाघ ने उठा ले गया और गन्ने में नट्टी काट दिया। फिर आपको कैसे पता चला? वो एक बच्ची बताई कि मतलब वो बाघ आकर उठा ले गया है। तो हम लोग मतलब खोज किए तो तुरंत गन्ने में देखें तो आगे जाकर थोड़ी देर में 10 मिनट बाद हम लोग लाश को पाए और वो बाघ नहीं मिला। वहाँ बाघ नहीं मिला जी। इससे पहले भी ग्रामीणों को दिखाई दिया है तेंदुआ? कई बार दिखाई दिया है। कई बार दिखाई दिया, वन विभाग को सूचना नहीं दी? सूचना दिया है लेकिन वो लोग ज्यादा प्रशासन नहीं कर रहे हैं यार, प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रसेन जी। कहाँ रहते हैं? रायगंज। रायगंज रहते हैं। ये बताइए, जो लड़की जिसको तेंदुए ने मार दिया आपकी कौन है? हमारी नातिन है। आपकी नातिन है जी। कब आई थी यहाँ? ये आई रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन को। क्या नाम है उसका? प्रियांशी। प्रियांशी। पिताजी का क्या नाम है उसके? ननकौ प्रसाद। कहाँ रहते हैं? राजापुर कला। राजापुर कला की निवासिनी है बच्ची। रक्षाबंधन को आई थी जी। कितने बजे का आज है घटना? तीन बजे। आप थे या घर पर नहीं थे? हम नहीं थे घर पर। नहीं थे आप? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।